हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आ गए भुवनेश्वर के ITR SOA यूनिवर्सिटी, और आज हम लोग उसका फुल ये टूर वगैरह में सब कुछ दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और ये देखिए शिक्षा ओ अनुसंधान, और ये मेन एंट्रेंस है, कुछ बाहर से इस तरह से ये ऐसा दिखता है। और यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे, और ये गेट नंबर 1 से अभी हम लोग एंटर करेंगे, और उसके बाद में हम लोग गेट नंबर 2 के पास में जाएंगे। तो ये हम लोग जो जा रहे हैं, ये गेट नंबर 2 है, और यहाँ पे जस्ट गेट के बगल में ही पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे ATM भी है। अगर कोई ATM यूज़ करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं, चलिए अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग अभी अंदर एंट्रेंस जैसे भी ही मैं की तो देख रही है ऑटो से बहुत सारा यहाँ पे बेड वगैरह सब उतर रहा है। तो मैं वहाँ पे पूछने के बाद में पता चला यहाँ पे एक ठू शॉप है, जो कि यहाँ पे ना वो उसमें स्टूडेंट लोग के लिए हर एक सुविधा का चीज रखा गया है। ये देखिए अंदर में वो जो पीछे में शॉप दिख रहा है, इसी दुकान में सब कुछ रखा गया। और ये कॉलेज का बस वगैरह खड़ा हुआ है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए बस बहुत सारा, कॉलेज का कैंपस हम लोग आज फुल टूर में दूंगी। इसके पहले मैं आपको हॉस्टल का दी थी, और ये देखिए यहाँ पे पार्किंग एरिया जो था वो स्टूडेंट लोगों के लिए था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये देखिए एकेडमी ब्लॉक के तरफ में। और यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है और यहाँ पे क्या 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 सुविधा है। इसी कैंपस टूर के अंदर में हम लोग सब कुछ देखेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। और ये देखिए ये सब क्लासरूम वगैरह हैं, तो यहाँ पे इस साइड में ना कंप्यूटर साइंस वालों का क्लास, और यहाँ पे ये देखिए बास्केटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेलने के लिए भी बच्चों के बहुत सुविधा यहाँ। और ये जो सामने में दिख रहा है ना, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत ही बड़ा सा लाइब्रेरी है। इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट ही जाते हैं, और बाहर के लोगों को जाने के लिए यहाँ पे अलाव नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट को भी मतलब अपना मोबाइल को बाहर में रख के जाना पड़ता है काउंटर में, क्योंकि मोबाइल लेकर जाना भी अंदर में अलाव नहीं करते हैं। तो ये लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग चलिए बाहर से ही वीडियो बना लेते हैं। और ये बहुत ही बड़ा है, स्टूडेंट को यहीं से बुक सारे के सारे मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और इस साइड में देखिए बॉयज हॉस्टल है, और उस साइड का जो आपको दिख रहा है वो वाला गर्ल्स हॉस्टल है। बाउंड्री के उस साइड में गर्ल्स हॉस्टल है, और उसके बीचों बीच बास्केटबॉल वॉलीबॉल वगैरह खेलने के लिए। और ये देखिए बच्चे यहाँ पे क्लास जाने के लिए, तो हम लोग क्लास में भी चलेंगे, लेकिन बाद में। चलिए हम लोग पहले कैंपस में घूम लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं देखेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना ही सुंदर से कटिंग किया गया है, ये देखिए इसका। और यहाँ पे इतना ही प्यारा, ये सब देख करके लग रहा था मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा कटिंग वगैरह सब करके, और बहुत ही ग्रीनरी के साथ में, बहुत ही बड़ा एरिया है। पूरा टूर दे पाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, मगर जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी। और मेन यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, क्या क्या वगैरह है, तो ये सब। और ये वाला एकेडमी ब्लॉक का ये वाला बड़ा सा एक हॉल है ना, देखिए कितना ही सुंदर है ना। और उस ब्लॉक से यहाँ पे सामने का जो व्यू आ रहा था बड़ा ही प्यारा आ रहा था, है ना। तो चलेंगे हम लोग, आगे भी चलेंगे, लेकिन चलिए चलते हैं हम लोग पहले यहाँ का जो सेमिनार हॉल वगैरह सब कुछ है, तो वो सब हम लोग देख लेंगे। और सेमिनार हॉल में क्या क्या है और वहाँ पे क्या क्या सुविधा है, ये सब कुछ वहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये देखिए बाहर का कुछ नज़ारा, कितना ही ग्रीनरी का यहाँ पे ध्यान रखा गया, और बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ में वाला बनाया गया है। और यह मेरे को तो देख करके इतना ही अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। तो हम लोग बस वही दिन भर इसी का टूर करने का मैं सोची कि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग कर लूं, ताकि सबको जो भी बाहर से आते हैं यहाँ पे, मैंने प्राइवेट एक टू कैंटीन है कि नहीं, है ना, फूड कॉर्नर वगैरह सब कुछ जो है, तो स्टूडेंट लोग के लिए ही मेस वगैरह है या पेरेंट्स के लिए भी है, तो ये सब जानना भी बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऑडिटोरियम रूम में। यहाँ पे सब कोई को यहाँ पे जो ये आ रहे थे बाहर से बच्चे, वो लोग के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए यहाँ पे बैठे थे, और एक के बाद एक सबका यहाँ पे हो रहा था, तो यही सब यहाँ पे हो रहा था। तो हम लोग मैं सोची चलो आप लोगों के लिए भी टूर कर लूँ। और यहाँ पे बाहर में देखिए ये सब जो बाइक वगैरह खड़ा है यहाँ पे, ये सामने में ये ऑफिस है ना, तो यहाँ पे फीस वगैरह सब कुछ जो जमा होता है ना, ऑफिस वगैरह सब कुछ है। तो चलेंगे हम लोग अंदर में, और अभी हम लोग चलेंगे यहाँ। और ये है सेमिनार हॉल, यहाँ पे देखिए बच्चे जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है वो लोग आकर के अपने यहाँ पे एडमिशन वगैरह सब हो रहा है। तो ये बड़ा सा हॉल है जहाँ पर अपना सबको वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर में। और अंदर में यहाँ पे हम लोग, उसके जस्ट सामने में ही कॉन्फ्रेंस हॉल था, और एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज क्या कॉन्फ्रेंस होता है, और हम लोग अकेले यहाँ के आज राजा हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर में, और इस साइड से जाने का। और ये देखिए इतना ही बड़ा सा, मैं वाइड एंगल में ली हूँ करके ऐसा दिख रहा है, लेकिन इतना ही बड़ा था मैं क्या ही बताऊँ। और अकेले इसके अंदर मैं अभी फिलहाल मैं ही यहाँ पे थी। तो ये देखिए ये
वाला के देख करके कितना ही अच्छा लग रहा है। कॉलेज के दिन किसको किसको याद आ रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और ए वाला जो है ना यहाँ पे इसका बड़ा सा हॉल दिया था है ना, सेमिनार जो भी आएंगे ये यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह ये वेटिंग के लिए यहाँ पे रुकने के लिए, तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह इस साइड में था बॉयज लेडीज वगैरह सब कुछ सभी के लिए, और ये वाला हॉल बहुत ही बड़ा सा था। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। और ये देखिए ये भी एक ऑफिस ही है, ऑफिस एरिया ये सब है, तो यहाँ पे ऑफिस का सारे काम वम होते हैं यहाँ पे है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, और आगे और क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितने अच्छे से मैंने क्रिकेट वगैरह भी एंजॉय करने के लिए देखिए ये लोग को नेट लगा करके यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चे है ना, जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे थोड़ा सा अपना टाइम पास करने के लिए शाम के समय में, तो ये शाम का ही समय था तो इस साइड में हम लोग आ गए थे घूमते घूमते। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे कुछ है, तो चलिए देखते हैं आगे में और क्या क्या है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके आगे जब मैं गई ना तो यहाँ पे मैं देखी यहाँ पे वो जो ये होता है ना क्या बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग है सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट था ये वाला शायद उसका पूरा ये है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। हाँ तो उसके आगे जब मैं जाती हूँ फूड कोर्ट का पूरा ही बिल्डिंग जो दिख रहा है ना पूरा ही बिल्डिंग वाला फूड कोर्ट का था, और ये ना प्राइवेट ही है ऐसे, इसमें सब कुछ बाहर के मतलब जैसे पेरेंट्स वगैरह सब आते हैं ना कैंटीन है ये वहाँ पर जा सकते हैं, इसके अंदर स्पा ब्यूटी पार्लर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा है ना, फूड वूड हर प्रकार का यहाँ पे आपको मतलब फास्ट फूड से लेकर के हर कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा घर जैसा। तो यहाँ पे ये वाला इसका ये था, तो यहाँ पे काउंटर था और इसके सामने में जो था ना ये जूस सेंटर था, तो यहाँ पे बच्चे सब जूस ले रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ तो यहाँ से ऊपर जाना है लेकिन अभी ऊपर नहीं जाएंगे, इस साइड में कुछ बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रहा है तो इसके अंदर किस लिए भीड़ लगा है चलिए आगे चल के हम लोग देखते हैं। और इसके अंदर आने के बाद में देखी इतना ही रश था इसके अंदर, इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ, पैर रखने को जगह नहीं था। और इसके अंदर मतलब मैं हर फूड मैंने हर तरह के यहाँ पे मतलब फास्ट फूड से लेकर के हर तरह के चीज़ यहाँ पे पराठा नान वगैरह सब कुछ, पिज़्ज़ा बर्गर आपको जो चीज़ चाहिए चाट उट पानी पूरी वगैरह जो भी चाहिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। और बच्चे ये देखिए क्लास करके आके बच्चों का यहाँ पे इतना भीड़ ही लगा था कि क्या ही बताऊँ। तो मेरे को लगा यहाँ पे क्या है तो मैं भी इसके अंदर चली आई, और ये देखिए चलिए चलते हैं बच्चों के साथ आप लोग भी एंजॉय करिए। और ये देखिए पानी पूरी देख के किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है ये बताइएगा क्या। तो यहाँ का भीड़ का देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मतलब कितना ही यहाँ पे मैंने फास्ट फूड के हमारे बच्चे सब यहाँ पे ये हैं है ना। तो ये देखिए यहाँ पे उसका चाट उट वगैरह लगा था, और रेट भी मैं क्या ही बताऊँ इतना रीजनेबल रेट था कि बता नहीं सकती हूँ। बाहर से तो बहुत ही कम, बाहर इसका दो गुना जहाँ लिया जा रहा था यहाँ उससे बहुत ही कम। और ये देखिए मैगी से लेकर के पानी पूरी से लेकर हर कुछ, और यहाँ बैठ के खाने के लिए देखिए बहुत बड़ा सा स्पेस बना था। तो चलिए चलते हम लोग ऊपर में, और फर्स्ट फ्लोर में हम लोग यहाँ से चलेंगे सीढ़ियों से चलेंगे, वैसे तो यहाँ लिफ्ट भी लगा हुआ है लेकिन हम लोग सीढ़ियों से चलेंगे क्योंकि हम लोग को व्लॉग बनाना है ना। तो ये फर्स्ट फ्लोर में मैं जब जाती हूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सा सैलून मिलेगा, और यहाँ पे मैंने बॉयज गर्ल्स सबके लिए यहाँ पे ही है ना। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सैलून अंदर में बना हुआ है, तो ये तो हम लोग देख लिए। चलिए तो फर्स्ट फ्लोर में ही सैलून है, उसके बाद में हम लोग अभी चलते हैं ऊपर में। तो ऊपर में हम लोग चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अभी क्या है फिलहाल में। तो यहाँ पे जैसे ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे जाने से एक हम लोग को कैंटीन दिखा, ये वाला एक तो फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का एक तो कैंटीन है। और इस कैंटीन के अंदर में जैसे ही एंटर की मैं देखी मतलब जितने भी बाहर से पेरेंट्स आए थे है ना, हम लोग परेशान हो जाते पता नहीं चलता बाहर से जो भी आते हैं ना तो सबको लगता है ना कि यहाँ पे मतलब बाहर में जाएंगे तो हम लोग दो खाना वाना खा करके आएंगे, लेकिन इसके अंदर में भी हम लोग को यहाँ पे कैंटीन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आकर के आप लोग यहाँ पे खा सकते हैं है ना। तो बैठ करके जितने भी पेरेंट्स वगैरह बच्चे सब कुछ आए जो भी आए थे बाहर से वो भी, और कॉलेज के बच्चे भी कुछ थे यहाँ पे। और प्राइस की बात की जाए तो इतना ही कम रेट में यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, और इतने हाइजीनिक तरीके से कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब देख करके यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और टेस्ट बताएं तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैं भी यहीं पर की थी। और आप लोग ये देखिए यहाँ पर आप लोग रेट देख लीजिए, मतलब बिरयानी कहाँ ही 70 रुपये में वेज बिरयानी इतना मस्त पनीर वाला मिलता है ना। तो चलिए चलते हैं ऊपर में, ये तो हो गया फूड कोर्ट, और उसके बाद में ऊपर में क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। 16 जून को ही यहाँ पे कुछ नया ओपनिंग हुआ है, तो देखते हैं क्या ओपनिंग हुआ है। यहाँ क्या है, तो यहाँ भी एक कैफे है छोटा सा, तो ये ओपनिंग हुआ है लेकिन अभी इतना कुछ हुआ नहीं है।
तो फोर्थ फ्लोर में चलते हैं। सब बहुत बड़ा सा हॉल है, लेकिन मतलब ऐसे ही बनाया गया है ना। तो देखिए बैठ करके सब कोई यहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ भी आपको मतलब कि जूस और मोजिटो वगैरह ये सब मिल रहा था, और यहाँ भी फास्ट फूड का जितना सामान आप चाहिए यहाँ पे भी सब कुछ, वैसे ही बिरयानी वगैरह सब कुछ, वेज नॉन वेज सब कुछ अवेलेबल था, आइसक्रीम वाइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा सब कुछ। और बैठ करके देखिए सब कोई अपने आके फ्रेंड के साथ में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना। ये लास्ट है, फिफ्थ फ्लोर है शायद ना। जब हम लोग गए तो हम लोग देखे यहाँ पे इतना ही बढ़िया बच्चों के रिलैक्सिंग के लिए यहाँ पे, और ये वाला बिल्कुल ही फ्री है, मैं बता दूँ आप लोगों को, ये वाला बिल्कुल ही फ्री है। और ये गेम सेक्शन इतना ही बड़ा सा हॉल था, इसमें लूडो और कैरम और टेबल टेनिस वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। और बच्चे आ करके यहाँ पे, जैसे कि अब कभी कभी मन करता है ना पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाए, तो शाम के समय में आ करके यहाँ पे ये लोग ये कर सकते हैं। और ऊपर भी बहुत है, लेकिन और हम लोग नहीं जाएंगे, चलिए चलते हैं बाहर में, बहुत घूम लिए इसका। तो फिफ्थ फ्लोर तक आप जा करके ना ऊपर में वहाँ पे कैंटीन का मजे ले सकते हैं ना। तो हम लोग चलिए चलते हैं अब स्कूल क्लास। हम लोग ऐसे आए और यहाँ पे क्लास ना देखे है ना, आईटीआर का अगर क्लास ना देखे तो कुछ भी ना देखे। तो चलिए ये लोग का क्लासरूम कैसा है, हम लोग अभी चलेंगे। ये बच्चे जो जा रहे हैं बच्चों के पीछे पीछे चलते हैं, और ये लोग के क्लासरूम में, और ये कंप्यूटर साइंस वाला जो क्लासरूम है ना उस साइड में हम लोग चलेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, और ये गेट नंबर 4 के तरफ से होते हुए इस साइड में जाते हैं लोग। और इसके पहले वाला ब्लॉग में अगर आप लोग देखे होंगे तो हम लोग हॉस्टल में एंट्री किए थे, और आज हम लोग क्लास में एंट्री करेंगे, है ना। तो चलिए इन बच्चों के पीछे पीछे चलते हैं, तो ये इतना ना भूल भुलैया है कि हम लोग कहीं गुम ही हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्लास किस तरह से है ना, बाहर से तो बहुत ही अच्छा है लेकिन क्लास यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का। तो जब क्लास में आए तो देखे बच्चे, ये देखिए अपने अपने पूरा लगे हुए थे बच्चे, और क्लास रूम बड़ा ही मस्त यहाँ पे था। और क्लासरूम से सबसे बढ़िया बात क्या था पता है, उसका विंडो से इतना ही मस्त व्यू आ रहा था। ये देखिए पीछे का, यहाँ आईटीआर का बिल्कुल, यहाँ कैंपस का बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था। पीछे कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम, वहाँ पे हॉस्टल वगैरह बन रहा है कुछ, तो वो सब भी दिख रहा था, तो अच्छा ही लग रहा था। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बड़ा सा कैंपस का छोटा सा टूर आप सबको कैसा लगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।